बात करेंगे लैंडमार्क वेरिएंट प्राइम क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है, क्या है उसकी क्राइटेरिया, क्या क्या आपको वहां से बेनिफिट मिलने वाली है, डिटेल में बात करूंगा, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। मेरे दोस्त वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलना, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी तमाम सारी वीडियो में हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। चलिए चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों, आप मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, लैंडमार्क प्राइम वेरिएंट कार्ड, जिसकी ज्वाइनिंग फीस 2999 प्लस 18% जीएसटी है, जहाँ पे क्रेडिट लिमिट आपको 40,000 रुपये से लेकर के 10 लाख तक मिल जाएगी। रेट आप इंटरेस्ट की बात करें तो अनसिक्योर कंडीशन में 3.5%, अनसिक्योर में 2.75% लगता है, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा है, राइट। वेलकम बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, कस्टमर गेट 12,000 रिवार्ड पॉइंट वर्थ 3,000, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12,000 रिवार्ड पॉइंट, 3,000 इसकी वर्थ है, ठीक है। तो यानी 3,000 रुपये जो वहाँ पे 2,999 रुपये आप लगाते हैं, यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ एनुअल फीस 100 कैश बैक ऑन योर एटीएम कैश विदड्रॉल, फर्स्ट बार अगर एटीएम कैश विदड्रॉल करते हो तो यहाँ पे 100 रुपये आपको मिल जाते हैं। बात करें स्टैंडर्ड रिवार्ड पॉइंट की, तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। और अभी जो वेलकम बेनिफिट की मैं बात कर रहा था, देखिए 30 डेज में ये जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक्सीलेटर रिवार्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये खर्च करने पर आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। और कहाँ खर्च करेंगे तो डाइनिंग एंड मूवी पे, ठीक है, 15 रिवार्ड पॉइंट एंड 100 ऑनलाइन स्पेड लैंडमार्क स्टोर पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइड में क्या लिखा, 1 लैंडमार्क रिवार्ड इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, मतलब रुपए, ठीक है, वाले LMR इक्वल टू 2.4 SBI कार्ड रिवार्ड पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें है। और रिवार्ड रिडिप्शन देखिए, रिडीम योर रिवार्ड पॉइंट इंस्टेंटली, लाइफ स्टाइल, होम सेंटर एंड मैक्स स्टोर, कन्वर्ट योर रिवार्ड पॉइंट टू लैंडमार्क, ठीक है, रिवार्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, तो इस नंबर को आप देख लेंगे। और माइलस्टोन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे 40,000 रुपये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दजार 40,000 अगर आप साल में खर्च करते हैं तो यहाँ पे 6,000 रिवार्ड पॉइंट आपको मिलते हैं। 1 लाख खर्च करने पर आपको 12,000 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। 1.8 लाख यानी 1,80,000 अगर आप खर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको 20,000 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। 5 लाख अगर आप स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 20,000 रिवार्ड पॉइंट आपको मिलते हैं। लॉन्च एक्सेस की बात करें तो 8 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक, देखिए 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एंड 4 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपको मिलते हैं। और 1 क्वार्टर में मैक्सिमम आप 2 ही जो है यूज कर पाएँ। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्च एक्सेस की। देखिए यहाँ पे लॉन्च एक्सेस में मैंने बात कर ही लिया। प्रायोरिटी पास की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको 1 प्रायोरिटी पास मिलता है जो $99 जिसकी प्राइस होती है, ठीक है। फ्यूल सरचार्ज की बात करें, देखिए यहाँ पे 500 रुपये से लेकर के 4,000 के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% आपका जो फ्यूल सरचार्ज होता है वो रिटर्न हो जाता है। यानी मंथली आप 250 रुपये और एनुअल आप 3,000 रुपये जो है सेव कर पाएंगे। अदर बेनिफिट की बात करें तो कॉन्टैक्ट लेस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। एडन कार्ड, एडन कार्ड का मतलब यह है कि माता पिता भाई बहन, ठीक है, पति पत्नी, बेटा बेटी, इनके नाम पे अगर 18 साल से ऊपर हैं तो इनके नाम पे आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों जो आपकी इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहेगी वही लिमिट उनको भी मिल जाएगी, लेकिन हाँ बिल आपको ही भरना पड़ेगा, आपके कार्ड से ही बिल होगा। दोस्तों बात करें अगर क्राइटेरिया की, क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया बड़ी सिंपल सी है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज 21 से 60 साल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज 25 से 65 साल होना चाहिए। अगर आप जो है पेंशनर हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 40 से लेकर 65 साल के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों अगर इनकम क्राइटेरिया की हम बात करें तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी से होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कार्ड ले रहे हैं तो, अगर आप कोई प्रीमियम कार्ड ले रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो है 30,000 पर मंथ सैलरी स्लिप होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे दोस्तों लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए और जो है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्राइटेरिया है मेरे दोस्तों, अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका ITR फाइल होना चाहिए। वहां पे 3 लाख का भी अगर आपके पास जो है ITR फाइल होगा, ITR फाइल पर पेपर होगा तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो 3.6 लाख यानी 3,60,000 रुपये का ITR फाइल हर वर्ष होना चाहिए, ठीक है, यानी बैंक जो अपना बैक फाइनेंशियल ईयर है उसका चाहिए। साथ ही साथ बैक स्टेटमेंट चाहिए। यह है कार्ड टू कार्ड, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसके बिहेव पे आप जो है SBI के क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि
उस कार्ड की बिहे पे आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट 30,000 प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आरसी सरोगेट, यानी आपके पास कोई भी कार है यानी ट्रांसपोर्ट से अगर आप संबंध रखते हैं, आपके पास कार है, ट्रक है, बस है, कोई भी आपके पास फोर व्हीलर कार है, तो आप जो है उसका आरसी और इंश्योरेंस जो है अपलोड करके आप उसके बिहेव पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों आपने जाना लैंडमार्क प्राइम वेरिएंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके अप्लाई कर सकते हो। अच्छी तमाम सारी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली एक बेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट आपका।